वेल हाय लवली लेडीज वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आज की वीडियो में मैं अपनी प्रॉमिस को कंप्लीट कर रही हूँ और मैं लेके आई हूँ मरून लिपस्टिक्स का कलेक्शन ठीक है बहुत मजेदार मरून हैं डार्क आई I मीन mean, बहुत सारे शेड्स होते हैं मतलब अगर रेड पकड़ लो उसमें भी बहुत सारे होते हैं जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखे नहीं देखे हैं ना मिस कर दिए हैं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जाकर के जरूर देख लीजिएगा कोई ना कोई रेड आपके लिए जरूर बना होगा आपको बहुत पसंद आएगा ठीक है तो आज शेयर करने वाली हूँ आपको मरून लिपस्टिक्स ठीक है बहुत सुंदर ब्राउन ब्राउनिश मरून मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने सॉचे ऑलरेडी कर, कर लिए हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए सो so, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट मेक श्योर आप मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन के ऊपर आ जाए क्योंकि बहुत मजेदार वीडियोज आने वाली है इस हफ्ते तो मेक श्योर sure आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन को हिट कर दे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट सो गाइज दीज आर द ऑल लिपस्टिक्स जो मैं आज आपको शो करने वाली हूँ सारी ही बहुत अफोर्डेबल हैं ठीक है अंडर टू हंड्रेड रुपीज़ में आपको मिल जाती है वन फिफ्टी में भी मिल जाएगी और उससे भी कम मिल जाएगी अगर सेल पर चल रही है सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे प्लस इनके करंट प्राइसेस क्या अलग चल रहे हैं वो भी आपको स्क्रीन शॉट में दिखा दूंगी तो चलिए फर्स्ट लिपस्टिक्स मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो है स्टेक वोकी की दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेड गाइज दिस इज़ कॉल्ड टू हॉट फॉर अ डेट नाइट इट्स सब परफेक्ट शेड गाइज अगर कोई भी स्किन टोन है कुछ किसी भी तरह का आपका कलर कॉम्प्लेक्शन है आप इसको लगा सकते हो ये इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ये ड्राई होने के बाद थोड़ा ब्लरी इफ़ेक्ट देता है जिसकी वजह से आपके लिप्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं कलर तो ये ब्यूटीफुल है ही अगर आप ए, एक बार इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट इसे मिनी में भी ले सकते हैं इसकी मिनी लिपस्टिक्स भी मिलती हैं तो इट्स अ वेरी प्रिटी शेड गाइज़ ये ड्राई होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी ये बहुत सुंदर लगता है लुक एट दिस ये थोड़ा ब्लर

ऊपर और भी ज्यादा सुंदर लगता है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है विदाउट लिप बम भी ये कंफर्टेबल है बट ये मैट लिपस्टिक्स है तो आई प्रेफर आप हल्का सा अपने लिप्स को हाइड्रेट ज़रूर करें इसको लगाने से पहले ठीक है हाइड्रेट करने का मतलब है लिप बम लगाएं उसको किसी चीज से रिमूव कर दें एंड देन यू अप्लाई योर लिक्विड लिपस्टिक दिस इज द बेस्ट वे टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ लिक्विड लिपस्टिक ओके सो दिस इज द शेड गाइज ये थोड़ा सा पहले वाले से डार्क है ठीक है पर यह बहुत सुंदर लगता है मेरा बहुत फेवरेट शेड है ये ठीक है नेक्स्ट इज ऑल्सो फ्रॉम मेबलिन गाइज दिस इज देयर सॉफ्ट मैट लिपस्टिक्स एंड दिस इज़ कॉल्ड डिवाइन वाइन और इन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप जो भी लेना चाहते हैं सीधा आपको क्लिक करना है एंड यू विल गेट योर लिपस्टिक ठीक है सो ये है शेड uh, ठीक है uh, मैं आपको दिखा रही हूँ और ये एक क्लॉथी -एक लिपस्टिक है इस कलेक्शन में जो ट्रांसफ़र uh, प्रूफ नहीं है मतलब ये ट्रांसफ़र होती है एक एक्सटेंट तक ये ट्रांसफ़र होती है उसके बाद ये आपके लिप्स पर टिक जाती है एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शेड गाइज डस्की स्किन टोन वालों के लिए तो ये बेस्ट शेड है मीडियम uh, और फेयर के लिए तो चली जाएगा उसके बाद ये है मार्स की मैटनी मैट लिपस्टिक दिस इज कॉल्ड चेरी चेरी येस जीरो टू दिस इज़ कॉल्ड चेरी चेरी एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मरूनिश ब्राउन वाइनिश शेड बेरी काइंड ऑफ शेड एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल ऑन एनी काइंड ऑफ स्किन टोन ये मेरा बहुत फेवरेट शेड है गाइज़ और इनकी जो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनकी पिगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बहुत ज़्यादा अच्छी पिगमेंटेशन है ये थोड़ा सा डीप मरून साइड पर जाता है ठीक है और ये बहुत सुंदर लगता है लिप्स पर लगने के बाद और ये भी ट्रांसफ़र प्रूफ है तो मेक श्योर आप लिप बाम अपने कर लें हाइड्रेट कर लें इसको लगाने से पहले आपके लिप्स बहुत खूबसूरत लगेंगे इसको लगाने के बाद कोई भी ओकेजन है या ये आप डेली में भी लगा सकते हो अगर आप इस तरह की लिपस्टिक्स लगाते हो डेली में तो आप ये लगा सकते हो और ये काफी देर तक लास्ट भी करती हैं तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई कर सकते हो क्लोजअप में आने आपको सभी के इंसर्ट किए हैं तो ध्यान से देखिएगा और चूज़ कीजिएगा अपना कलर और मुझे कॉमेंट जरूर करना आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है ठीक है कॉमेंट जरूर कीजिए आप बहुत कंजूसी करते हो कम कॉमेंट में बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ प्लीज कॉमेंट जरूर कीजिएगा ये सारे इतने प्यारे हैं कि वाकई पे लिप्स के इतने अच्छे लगते हैं कि वो डेट की तरफ इनको लेके जाते हैं फॉर डेट नाइट यू नो फॉर रोमांटिक काइंड ऑफ सो ये भी एक डीप मरून शेड है ये काफी मिलता जुलता है डिवाइन वाइन से बट द ओनली थिंग इज़ कि वो ट्रांसफ़र होता है ये ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आपकी प्रेफरेंस है आप ट्रांसफ़र प्रूफ लेना चाहते हैं या दूसरा लेना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कलर बिल्कुल सिमिलर है आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो ठीक है सिर्फ दिखाया इसलिए क्योंकि एक ट्रांसफ़र प्रूफ है और दूसरा नहीं आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं नेक्स्ट इज ऑल्सो फ्रॉम मार्स काज दिस इज वेरी ब्यूटिफुल शेड दिस इज़ कॉल्ड री यूनाइट फ्राम मार्स कॉस्मेटिक्स एंड इट्स अ बटरी काइंड ऑफ लिपस्टिक्स बहुत अच्छी लिपस्टिक्स हैं ये ठीक है हल्की फुल्की ड्राइंग है तो लिप हम अप्लाई कर लीजिएगा एप्लीकेशन वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है पिगमेंटेशन की कोई कमी नहीं है और काफ़ी अच्छी खासी क्वान्टिटी आपको मिल रही है इसके अंदर तो आप लगा सकते हैं इसमें आपको बहुत सारे अलग शेड्स भी मिल जाते हैं तो इफ़ यू वॉन्ट टू चूज़ एनी अदर कलर यू कैन ठीक है ये थोड़ा सा रेड साइड पे हल्का सा आ, पहली वाली मार से हल्का सा ये ज़्यादा रेड है तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रेड अच्छा लगता है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो सभी शेड एक दूसरे से डिफरेंट हैं सिर्फ एक को छोड़ के जो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया नेक्स्ट इज़ फ्राम ब्लू हेवन गाइज इट्स यर जीरो फ़ाइव शेड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मरून शेड एंड ये थोड़ा ना पर्पलिश मरून शेड है अगर जामुन देखा ना आपने जामुन को मिक्स करके अगर बीच में डाल देना तो ये शेड बन जाएगा इस शेड से आपकी कॉम्प्लेक्शन जो है ना वो लाइट लगती है यानी कि आप हल्के हल्के फेयर लगने शुरू हो जाते हो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्शन ही इसका ऐसा है इसका ये कलर ही ऐसा है और बहुत कंफर्टेबल है ये आपके लिप्स के ऊपर मैं ऐसे बिना लिप बाम के भी अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी में हूं तो कभी भी ड्राई नहीं करती है ये वाली लिपस्टिक्स इसमें और भी काफी सारे शेड्स हैं जो मैंने दिखाए हुए हैं इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो मैं आपको लिंक कर दूंगी नीचे बाकी के शेड्स भी आप देख सकते हो बट इन दिस कलेक्शन आई वुड लव टू एड दिस कलर आप देख सकते हो सबसे अलग ये दिख रहा है और बहुत अफोर्डेबल भी है हंड्रेड रुपीज में आपको मिल जाता है हंड्रेड वन टेन में इजिली आपको अवेलेबल है लिंक्स आपको नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगी आप चेकआउट कर सकते हैं ठीक है अब इन लिपस्टिक्स को लगाने के लिए ना कुछ लोग लिप ये लिप लाइनर भी यूज करते हैं किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने सोचा मैं दो लिप लाइनर्स भी ऐड कर दूं ताकि आपको हेल्प हो जाए तो फर्स्ट इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी गाइज एंड दिस इज इन द शेड मरून इसका नाम ही मरून है और अगर आप अच्छा एक बहुत अच्छा लुक दिखाना चाहते हैं ना अपने लिप्स का तो आप लिप लाइनर जरिए जरूर यूज़ करें ठीक है और ये शेड ही बहुत अच्छा है ठीक है आप सिंगल भी इनको अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ज्यादा लिपस्टिक लगाने के मूड में नहीं है ना तो आप हल्का हल्का इन्हें अप्लाई कर लें और लिप लाइनर के साथ जो लिपस्टिक की लुक आती है ना वो नेचुरली कभी नहीं आती है ठीक है हमेशा Uh, जो भी प्रोफेशनल्स uh, होते हैं वो कभी लाइनर के बिना लिपस्टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसके बिना लुक उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा ठीक है तो मेक श्योर sure, अगर आपको ये पसंद है तो आप इन्हें भी ले सकते हैं ठीक है इट्स योर चॉइस मैं सिर्फ उनके लिए दिखा रही हूँ जो पसंद करते हैं लाइनर लगाना मेरी तरह ठीक है नेक्स्ट इज फ्राम एडियज एंड दिस इज़ कॉल्ड इंडियन रेड ठीक है और ये बहुत सुंदर रेड शेड है uh, सभी के साथ ये चल जाएंगे ठीक है कोई भी लिपस्टिक इसमें से ऐसी नहीं है जिसके साथ ये नहीं चलेंगे आ, फर्स्ट वाले शेड के साथ ये बहुत अच्छे से जा रहे हैं सिर्फ ये ब्लू हेवन के शेड के साथ में भी ना जाए बाकी सभी के साथ ये जा रहा है और दीज आर वेरी 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 अफोर्डेबल एंड कम्फर्टेबल लिपस्टिक्स का है जो मैंने बहुत चूज करके आप लोगों के लिए निकाली हैं तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को ठीक है मरून्स so जो मैंने चुन चुन कर निकाले हैं ठीक है बहुत सारे थे बट ये वाले हैं ना जो वो आपकी किसी भी आउटफिट के साथ मैच हो जाते हैं चाहे वो एंटीक है या मतलब मरून uh, तो अगर आप बेज भी पहन रहे हो ना तो भी उसके साथ भी चल जाता है बाकी डिटेल मैंने आपको दे दी होगी मुझे पता है ड्यूरिंग दस वॉचेज सो Uh, ये थी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बहुत सारे लाइक्स कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में ताकि उनको भी ये, ये लिपस्टिक्स का फायदा उठाने का मौका मिले लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गए होंगे मैं मिलती हूँ आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में ठीक है बाबा लव यू ऑल